गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई हैव सीन माई वीडियोज़ वेयर वेन आई स्टार्ट सेइंग गुड इवनिंग सो देर इज सम रिदम सो आई हैव रिपीटेड। समटाइम्स वी कैन अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स and what things we are doing in the way which is something or may carry some doubts with it. So the part of a habit to speak about certain words in the way which is little bit doubtful, this way we can have check on ourselves. Is this habit, is it holding something in it, beneath it something which I may learn in future? To my surprise, I may be shocked. So this is how we are supposed to check ourselves, the way we speak words, how our rhythm goes. If we catch certain words in the similar way every time, now we have to hold that word, check ourselves. Is something beneath it? Is something lying in it? Is this habit which I feel, oh, I have such a nice accent, I have such a nice behavior when I speak that word, if I feel as such, oh, I speak in such a lovable way, this word I speak so this is how I get stuck. Hope is the thing which I'm bringing through this, which I have catched today, and I get stuck in this way when I catch my words, myself, before people are pointing towards me. I check my videos, I see how my words are going, how many pauses I take, why I take, I know, but where and where the words which I try to speak in other accent, I am unable while recording. So yesterday when I saw my video about the first word when I start my video, so I immediately thought that this word in the way I speak, I have to change it. Why is it always sounds like it has some sur inside? Sur asur na ho jaye, besura na ho jaye. और जब हम अपने ही चीज़ों को कैच करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है. अब रहा सवाल ये कि हम कितने सेंसिटिव हैं अगर दूसरे हमें इन बातों को करेक्ट करने लगे तो. अगर हर बात पे कोई ये कहे कि तुम यहाँ पर ये बात बहुत खींच रही हो, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो
या तो मुझे कोई न्यूरोलॉजिकल इशू होना चाहिए कि मैं हकला रही हूँ, या कुछ वर्ड्स जब इन बिटवीन आते हैं तो वहाँ मेरा कोई इशू तो नहीं है। दिस चेकिंग हेल्प अस टू डिटेक्ट अ हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज सी एन्जाइटी कब आने वाला है, कंजेशन इन अ बॉडी कब आने वाला है, ये हमारी बातों से ही हमें पता चल जाता है। और हम कितनी बातों का कितना स्ट्रेस लेते हैं, दूसरों की बातों का कितना चिंता करते हैं, हमें वर्क स्ट्रेस कितना है, ये हमें हमारे स्पीच से पता चल जाएगा। कभी कभी हम लोग बहुत पावरफुल साउंड करते हैं, लेकिन उस वक्त हमें स्थिरता, हमारा बॉडी टोन, बॉडी एक्शन आई मीन, हमारा बिहेवियर, बिहेवियर एक ऐसा वर्ड है ना जिसमें हम सारी बातें सोच ले तो अच्छा होगा। हाउ वी बिहेव, हमारा जेस्चर क्या है, हमने हमारे आप को कितना सीमित रखा है, ये सारी बातें अगर हम सोचेंगे, इफ़ वी आर वर्किंग आउट ऑन आवर सेल्फ सो मच, नॉट जस्ट फॉर कॉम्पिटिशन, वी कैन ऑल्सो कीप अ चेक एट एनी एज ऑन आवर सेल्फ सो दैट वी आर नॉट हेल्थ डिप्राइव्ड। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ बातें मुझे पता है, कुछ बहुत सारी बातें पहले सुनती थी, पाइलअप किया अपने अंदर इतना, कि एक समय ऐसा आता है ना कि हम रिएक्ट करते हैं ऐसा कि जितना आप अपने शरीर में जितना सप्रेस करेंगे वर्ड्स, एक दिन वो फूट कर बाहर आ जाता है और आपका हेल्थ को इश्यू हो सकता है। तो इसी तरीके से सब ऐसे ही चेक रखें, यानी अगर एक, यानी यहाँ मैं ये चाहती हूँ, अगर कोई एक अपनी समस्या के बारे में ऐसे बताए कि वो समस्या नहीं है, लेकिन वो उस वक्त आपकी जो परिस्थिति, हेल्थ कंडीशन क्या हो गया था, और आगे चल के अगर आप कुछ सप्रेसमेंट रोज ले रहे हैं, तो एक दिन आपके हेल्थ को क्या इश्यू होता है, ये बातें अगर हम लोगों तक पहुंचाएं तो उन्हें ये बातें पता चलने लगेगी दैट वॉट नीड्स अ करेक्ट टाइम टू पे अटेंशन। जैसे कुछ चीज़ों को उसी वक्त मेंड करना अच्छा होता है, उसे आगे के लिए मत छोड़ दीजिए। ज़्यादातर तो जॉब रिलेटेड ही हम लोग बता सकते हैं कि जॉब में इतना प्रेशर होता है और आपको जॉब करना है, इतना ज़रूरी है कि आपको वो प्रेशर हैंडल करना ही होता है, चाहे वो हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो हेल्थ इश्यू ऐसे ही होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि खाने पीने से ही हर प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर हम दुखी नहीं होंगे तो हमें बाहर जाने की इच्छा नहीं होगी, बाहर रहेंगे तो बाहर का खाएंगे, और जितना हम लोग डिप्रेस होते जाते हैं ना, उतना हम लोग ज़्यादा किसी चीज़ में, खाने पीने में ज़्यादा पैसा डालने लगते हैं।
तो एक समय ऐसा है था कि लोगों को पता नहीं था दैट डिप्रेशन कैसे आ जा रहा है, एन्जाइटी कैसे आ जा रही है। लेकिन धीरे धीरे जब आपका एक्शन बदलने लग जाता है, तब आपको पता चलता है कि ओ, मैं तो एन्जाइटी का शिकार हूँ। मुझे ये जो शरीर में, मेरे मन में अनइजीनेस फील हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही होगी ना, ऐसा लगेगा कुछ ठंडा चाहिए, ठंडा चाहिए। जैसे हमें भूख लगती तो उस वक्त हम कैसे तड़प रहे होते हैं कि हमें खाना चाहिए, खाना चाहिए। वैसे ही तो अपनी लाइफ में शुरू से ही ये देखिए, हमारे वक्त ऐसा था कि हम लोगों को पढ़ाई के वक्त या फिर क्लासेस जाना है, फिर उस वक्त आपको टालना पड़ता है। आपके घर में कमाने वाले होते हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो पॉकेट मनी भी नहीं मिलता था। तब क्या होता है, आप भूखे रहना सीख जाते हो। तो भूखे रहते रहते वो जो भूख में जो तड़प होती है ना खाने की, जब आप देखते हो डोसे वाले को, इडली वाले को, और स्कूल में, कैंटीन में, कॉलेज के कैंटीन में खुशबू तो आती है, भूख तो लगती है। सिर्फ ये है कि पैसा नहीं है और पैसा मांगना नहीं आता है। लेकिन भूखे रहे हैं, घर से कभी कभी बना कर के टिफिन भी लेके जाते थे। अब बात ये है कि जब आप अपने आप को ऐसा मोल्ड कर देते हो कि आप भूखे रह सकते हो, तो भूख लगती है, भूखे आप रहो, कितना भी एक्सटेंड करो मैं बाद में खाऊंगा, मैं इस वक्त खाऊंगा, भूख उसी वक्त लगती है या उससे पहले भी लग सकती है अगर आपने नाश्ता भी नहीं किया है। तो उस वक्त जो तड़प होती है उससे पता चलता है कि जब एन्जाइटी भी आती है ना, उसमें जो तड़प होती है ना किसी चीज़ को, कि या तो आइसक्रीम खाने का मन करेगा या फिर सडनली कुछ क्रेविंग आएगा। हो सकता है किसी किसी को सिर्फ अकेले रहने का मन करे, ये भी पार्ट है ना। दिज आर द डिफरेंट वेरिएशंस पीपल आर फीलिंग। एन्जाइटी में ज़रूरी ना हो कि जितना बताया है उतना ही सीमित है, और भी बातें होंगी जो अभी तक मालूम नहीं है। मुझे जितना पता है मैं हमेशा घूम कर वही बातें बताती हूँ, ज़्यादा और इलाबरेट करके, कि एन्जाइटी में ये स्टेप्स है, ये पॉइंट्स है, ये फील होता है, डिप्रेशन फील होता है, कभी खाने का मन नहीं करेगा, कभी खाने का मन करेगा। अगर आप एनॉयड है एन्जाइटी में और आप अपसेट भी है, यानी आप ऐसे दुखी है मूड स्विंग की वजह से, और सडनली कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो आप अपसेट भी हो गए, तो अपसेट हो गए तो खाना त्याग दिया कि हमको अभी खाना भी नहीं खाना है, तब आप खाएंगे भी नहीं तो भूख भी नहीं लगती है, या लगी होगी लेकिन खाना नहीं है, तो वो एक हट हम लोग पकड़ लेते हैं ना कि हमको खाना ही नहीं है। सो वी आर टेकिंग आर सेल्फ इन दिस वे दैट वी सेल्फ वी डोंट नो वेयर वी आर डाइवर्टिंग आर सेल्फ। हम जिस वक्त जो कर रहे होते हैं, अगर ये स्टेटमेंट आप सुनेंगे, मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, हम जिस वक्त जो कर रहे होते हैं, हमें उस वक्त लगता है कि अभी ये मैं ठीक कर रही हूँ, अभी जो मेरे साथ दूसरों ने व्यवहार किया है वो सही नहीं किया है, इस वजह से मेरा व्यवहार ऐसा है, इसके लिए मैं ऐसा कर रही हूँ तो सही कर रही हूँ। चलो मान लीजिए आपने सही कहा और सही सोचा, लेकिन ये सोच
जो हम सही कर रहे हैं उसको कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि हम शायद गलत भी कर रहे हैं। उस वक्त आप मत सोचिए, लेकिन जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, जब आपका दुखी वाला मूड ठीक हो जाए और आप ऐसे वक्त पे हैं जब आप शांत हैं और सोच विचार करके कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो अपने ही आपकी ऐसे चेकिंग करिए कि मुझे अपने आप में ये स्थिति बदलनी है ताकि कोई दूसरी परिस्थिति आ जाए जो विपरीत है, वो मेरे हेल्थ को इस तरह नहीं बिगाड़ सकता एक दिन मेरा नुकसान ना हो जाए। अब तो ये हेल्थ के लिए कहा मैंने, कोई परिस्थिति मुझे ऐसा नहीं हिला सकता कि मैं उससे डर जाऊं। अब आप ये पॉइंट समझ सकते हैं, ये कुछ लोगों के लिए है जो किसी परिस्थिति में डर जा रहे हैं जिस वजह से उन पे स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते हुए भी उसमें पिस से जा रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें यहीं पे रहना है। बट आई हैव सीन, जब मैं जॉब करती थी ना, बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिली हूँ, जिसका जैसा पोजीशन होता है वैसा उसके जॉब प्रोफाइल होते हैं, लेकिन वर्क स्ट्रेस देखा है मैंने। कुछ लोगों की मजबूरी होती है जो ऐसे इतना बर्डन लेकर के लेट नाइट तक बैठे रहते हैं और वो स्ट्रेस लेते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली क्या होता है ना कि व्हेन द डे कम्स समटाइम्स दे रिएक्ट एट द रॉन्ग सिचुएशन। कोई कोई होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कोटों में, कोई कोई एकाकी होते हैं, ले आज तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक आज जब किसी सिली पॉइंट पे भड़क गए तो सब किया धरा उनके अगेंस्ट लगता है। तो जस्ट फ्यू एग्जांपल्स बता रही हूँ, देर आर मैनी टाइप्स इन दिस। इफ वी मीट डिफरेंट पीपल, दे हैव डिफरेंट आउटकम ऑफ द सिचुएशन, हाउ दे हैंडल इट, एंड इफ सिचुएशन कम्स आउट फ्रूटफुल फॉर देम, देन वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम कि हाँ, ऐसे सिचुएशन में ऐसा हैंडल करना है, इन्होंने ये काम ऐसे हैंडल किया, ये काम हमें भी ऐसे हैंडल करना है। सिचुएशन जो बाहर है लोगों के बीच में, आप जो टैकल करते हो सिचुएशन हो गया, और आपका जेडी जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसका रिजल्ट तो आपको भी पता है और दूसरे भी देख रहे हैं, आपका प्रमोशन होगा तो हमें भी पता चलता है कि हाँ, हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट दिस फ्रूटफुल रिजल्ट। तो उनसे भी हम लोग सीखते हैं ये चीज़ें कि हमें ऐसा रहना है और ये जेडी ऐसे फुलफिल करना है। सो दिस इज़ व्हाट लर्निंग अबाउट, दिस इज़ हाउ वी ऑलवेज लर्न, एंड दिस इज़ हाउ वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव फ्रॉम एवरी वन, लर्न ऑल द पॉजिटिव फ्रॉम ऑल द पीपल। उनका कुछ रहता है, जैसे हम कहते हैं ना, एवरी पीपल हैव देयर गुड साइड एंड बैड साइड, सो गुड साइड दे हैव सो मच ऑफ पॉजिटिव नेचर दैट वी कैन लर्न फ्रॉम इट, एंड बैड बिहेवियर एवरी पीपल हैव टू ट्रीट देमसेल्फ इन सच ए वे दैट दे हैव टू रिमूव द बैड फ्रॉम देम ओनली। हमारे अंदर की बुराई हमें निकालनी है, इन सिंपल हिंदी। Okay, I will say that why I elaborate English with a twisted version of mine.
आई विल से अबाउट दिस. वैसे उसका बहुत सीधा सरल मतलब होगा इंग्लिश में भी, बट दीज वर्ड्स वॉट एवर आई एम सेइंग आई एम थिंकिंग अबाउट फ्यू पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इट. सो वी शुड नॉट लूज एनी वन इन द रन. इन द सेंस व्हेन आई स्पीक इन अ ट्विस्टेड वर्जन देर आर ऑलवेज पीपल हु आई कैन सी. इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट जॉब आई कैन सी अ पर्सन स्ट्रगलिंग फॉर इट. इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट अ बैड बिहेवियर सो आई कैन सी अ पर्सन इफ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव बिहेवियर आई कैन सी अ पर्सन इन इट. सो एक्सप्लेनिंग इज नॉट जस्ट a written thing or I am not saying something which I have worked or written about and just simply speaking blindly without having any emotions. So my statement may not fall correctly, it seems. But I'm talking about the people who I can see behind the camera. Means behind my vision. Through my vision. I'm speaking about those people. This is how I'm connected with people. So even though it seems very much explained about speaking about very briefly about particular I feel also I'm repeating many a times about the statements I'm talking about the words I'm repeating about. So the force is as such that I should not repeat the words many times. The word in the statement, what I mean about someone, I should not repeat. Whom I want to tell about, that should not be repeated. This is how I don't know what passion is about. I have always read about dictionary meaning, what passion means. And I have tried to put my emotions, but suddenly I lose the interest. So then why few groups speak about passion, follow passion? There are majority who don't even understand. What is the passion? You have never taught us. How? There's always, when we see videos, people say before and after, then and now. From this, I have reached this. But how? We need someone to teach us. Care then.
care about the future, to teach to me. I think on this earth, is it only me and small group of children who don't know how to follow your passion? We like the quotes and we like the people who say big quotes, or we may not like the people who speak about where we are not able to even find a range in ourselves with them. Not that touching words, though the words are very high, meaningful, but my inner self always says, after reading the quotes, how can I? How can I? I mean, God is helping so much, but why I am lacking from the others? This I has many people, okay, in it. It's not like I am so emotional about myself. Big quotes has always helped. Always help. That the and ed words I am not able to pronounce. It's so tough for me. How to be so accurate and speak so fluently when something inside is not letting? Though I am somewhere, but not happy. Whether I have reached the goal. So I always get the answer no. So majority people, they are facing this. I know my video seems to be very boring, but you can feel the sense, the emotions I am going behind. But I have to speak because there should not be people to say you never spoke about. Where were you? Though they will understand where I was, but I am talking about the state of me. I'm going through something, some phase where I am very slow. I can't deliver speeches because the wrong emotions are holding inside. The wrongs are holding inside. They are making things so heavy. My words are going. With this, I end this video. And I shall make more videos. I stop this video.